आज है 31 दिसंबर और हम लोग जा रहे हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए हमारे क्लब नहीं में करना चाहिए, जो कि नहीं करना चाहिए, जैसे ये कह रहा है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन इंटेंशन ये नहीं कि हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। मेन ये है कि वहाँ पे हमारे जो पहले के लोग हैं ना, जो साथ में रहते थे हमारे साथ, उनसे मिलना हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे पीएल क्लब पहुंच ही गए थे, लेकिन फिर याद आया कि हम लोग जो है भूल चुके हैं अपना क्या बोलते हैं उसको, एंट्री पास ना, गेट पास जो है वो भूल चुके हैं। इसके लिए दोबारा हमें वापस जाना पड़ रहा है, कोई क्वार्टर साइड से हम यहाँ से जा रहे हैं। सांप तो यहाँ पे निकलते रहता है। हम लोगों का बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया कार्ड ढूंढने में, लगभग 10 मिनट बीत गए। फवाज पहले गया, फिर फारिया गई, उसके बाद ये गए हैं। काफी टाइम लगा, कहाँ था फवाज? कलरफुल कलरफुल बोल रहे थे, देखो यही तो है, ऐसे रखा हुआ था। तो बेटा इसमें हम लोग दो देखा, बाद में जाके कार्ड मिला। पहले मैं देखी, ढूंढना चाहिए, तो मैं देखी तो दो भाई जन देखा। सबसे पहले हम लोग कार्ड को डिपॉजिट करेंगे, पास को, और उसके बाद जो पर्पल कलर का जो बैंड हमें मिलेगा, देन ओनली विल बी अलाउड टू एंटर टू दिस गेट। यहाँ पे फारिया फवाज जो है वो अपना सबमिट कर रहे हैं। तो जी अब मैं आ गई हूँ अपने क्लब, और हर साल यहाँ पे इसी तरह से न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया जाता है। पहले तो खुशबू भी आती थी साथ में, अब वो चली गई। तो 2 सालों से यहाँ पे न्यू ईयर नहीं हुआ था, और अब जब हुआ है तो बहुत ज़्यादा रश हो गई थी। और इस रश में ना मैं तो ढूंढ रही थी कहीं मुझे चेयर मिल जाए, बट चेयर का तो बिल्कुल भी मिलना जो है ना इम्पॉसिबल सा लग रहा था, और वैसे भी हम लेट हो चुके थे। फिर मैं आगे बढ़ी तो यहाँ पे मुझे 2-3 मेरी जो है कुछ पहले के लोग मुझे मिले, और मैं उन्हीं को ढूंढ रही थी एक्चुअली। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत ही पुरानी मेरी फ्रेंड मिली, मतलब वी आर नॉट सो क्लोज, लेकिन हाँ जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने इन्हें इनवाइट किया था हम लोगों ने, और उस वक्त इनका एक बेटा था और फवाज तो हुआ भी नहीं था। तो अभी बहुत सालों के बाद मिले, तो वही हम लोग हंस रहे थे कि आपके बच्चे कितने क्लास में है, क्या कर रहा है बेटा, और फवाज भी इतना बड़ा हो गया है। तो वक्त बहुत जल्दी बीत गया, और बस वो यहाँ से निकल रही थी, कहा कि उन्हें कहीं और भी जाना है। फिर मैं आगे बढ़ गई, और आगे फिर यहाँ पे खाने पीने के इतने सारे स्टॉल्स हो गए थे, इतनी ज़्यादा रश थी। तो चलिए आप इन्हें देख लीजिए, और मैं तो बस मैंने हल्का फुल्का देखा, मेरा एकदम बिल्कुल मन भर चुका था, तो मैंने कोई खास खाया भी नहीं यहाँ पे। हाँ, बच्चों ने एक दो चीज़ ली, और उसके बाद फिर यही था कि पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा भूख लगनी रही थी, जो डोसा है ये तो हम खाते ही रहते हैं, थोड़ा सा फिर मोमोज लिया, और उसके बाद बिरयानी वगैरह लिया था हम लोगों ने। तो नए साल में यहाँ पे हमेशा नाच गाना होता है, लोग जो इंजॉय करते हैं वो डांस वाला करते हैं, ड्रिंक्स भी चलता है यहाँ पे। और जब ये प्रोग्राम एंड होने को आता है तो सारे लोग स्टेज के पास पहुँच जाते हैं, और वहाँ तो फिर बहुत ज़्यादा नाच वगैरह होता है। तो वी वेर नॉट कम्फर्टेबल, तो सम हाउ वी गॉट अ टेबल, और यहाँ पर हमें शेयर करना पड़ा, कुछ और लोग भी थे। और यहाँ पे फिर थोड़ा सा पेट पूजा भी किया, फारिया को भूख लग रही थी, मुझे कुछ भी जी नहीं कर रहा था ये सब चीज़ों खाने का, और गोभी मंचूरियन ये 2 प्लेट लेकर आ गए थे तो और दिल नहीं कर रहा था मुझे। फिर लास्ट में तो फिर मैंने बिरयानी खाया था। सना से मुलाकात हुई, और ये देखिए एक और मेरी फ्रेंड है, मतलब नेबर थी मेरी, हम लोग साथ में थे, और उस वक्त फवाज बहुत छोटा था, तो उसे पता भी नहीं है कि ना मैं यहाँ पर किस पर्पज़ की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अभी मैंने फवाज को बुलाया है कि आंटी को नमस्ते करो, और वो पहचान नहीं पा रहा आंटी को, वो बहुत ज़्यादा छोटा था उस टाइम पर। तो यहाँ पे मैंने देखा कि हम लोग तो बात कर ही रहे थे साथ में, मेरे हस्बैंड भी बड़े ना फ्री होके बात कर रहे थे। तो ये एक होता है कि जो पुराने लोग होते हैं उनके साथ आप बहुत फ्री फील करते हैं, अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड ऐसे तुरंत किसी से इतना मिंगल नहीं होते हैं। तो यही सब बात कर रहे थे हम तीनों, यही कह रहे थे कि ना हमारे हस्बैंड आराम से बातें कर रहे हैं, जबकि नए के साथ ये कभी मिंगल नहीं होते हैं। और बातों ही बातों में फिर यहाँ पे नया साल आ गया, और हम लोगों को सोचा था कि हम लोग चले जाएँगे, लेकिन पता नहीं कुछ ना कुछ रीज़न से ना हम वहीं रुक गए, और एट लास्ट फिर हम लोगों ने नए साल भी वहीं देख लिया। तो
ये वीडियो डालने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, बट स्टिल आई वुड लाइक टू विश यू ऑल कि आपका ये नया साल बहुत ही अच्छा बीते और आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो, जो भी आपकी तमन्नाएं हैं सब पूरी हो जाए। बस इसी दुआ के साथ आज का वीडियो मैं बस यहीं पे बंद करती हूँ और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।